कोई न कोई एक परिवार होता है, कुमार हो, लोहार हो, मालाएं बनाने वाले मालाकार हो, मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हो, खिलौना बनाने वाले छोटे छोटे लोग हो, टोकरी बनाने वाले हो, बांस पर काम करने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, कपड़े धोने वाले हो, ऐसे अनेक छोटे छोटे परिवार बिखरे पड़े हुए इन परिवार, कोई उनकी सूद भी नहीं लेता था। मोदी है, उसे उनका दर्द भी पता चलता है और हमने ऐसे परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर विश्वकर्मा साथी को हजारों रुपए की आर्थिक मदद दिए ये निर्णय किया है। उनको ट्रेनिंग देंगे, आधुनिक औजार देंगे, उनको बैंक से पैसा देंगे, उनको बाजार की व्यवस्था करेंगे। मेरे परिवारजनों, हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, सबको सम्मान का जीवन मिले, ये भाजपा की नीति है। तुष्टिकरण किसी का नहीं और विकास से वंचित भी कोई न रहे, यही भाजपा की नीति है। देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया, उनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा। कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये आदिवासी बेटी के विरोध में था। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी की बेटी का ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? साथियों, कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण दशकों तक आदिवासी समाज वंचित रहा। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आदिवासी आरक्षण के मामले में कांग्रेस की भूमिका को आदिवासी समाज नहीं भूल सकता। महरा महारा समाज को एससी का दर्जा देकर उनकी लंबे समय से लंबित मांग को भाजपा सरकार ने पूरा किया। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उन्हें एसटी का दर्जा देकर उनके भविष्य का रास्ता भी भाजपा सरकार ने प्रशस्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था भी भाजपा सरकार ने की है। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा और गाली। मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया
तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। ये हमारी सरकार है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो इसकी व्यवस्था की है, और इसके सबसे अधिक लाभ भी गरीब एससी एसटी ओबीसी माताओं की संतानों को ही होगा। हमारे ये बच्चे अंग्रेजी की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, ये मेरा सपना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस कभी नेक नियत से काम नहीं कर सकती। 10 साल पहले केंद्र सरकार में लाखों करोड़ के घोटाले करके कांग्रेस ने